सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जब आप सफल या आपको सफलता मिलती है तो लोग आपसे रिश्ते बनाने के लिए खुद आने लगते हैं। रिश्तों में आजकल लोग अच्छाई कम और बुराई ज्यादा देते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह ये भी है कि लोग अक्सर टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। आज का पंचांग 20 अगस्त 2023 दिन रविवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 12:22 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र रात्रि 4:22 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:10 से 6:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। मेष राशि 20 अगस्त 2023 दिन रविवार। अभी आपको जीवन में अपने लिए बहुत कुछ चाहिए। आपके दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं, साथ ही प्रतिस्पर्धा आपकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। कड़े मेहनत करें और असंतुलन से बचें। एक बैठक या आधिकारिक बातचीत आज चिंता का कारण हो सकती है। आपको परिणाम की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके ग्रहों के अनुसार सब कुछ सबसे बुरा है। आपका खुशी सबसे बुरा है। आपका कोशिश ही ना करना, अपने और दूसरों के अनुभव से सीखें। इससे आपको नया दृष्टिकोण तलाशने और कार्य करने में मदद मिलेगी। कोई भी विशेष निर्णय लेने से पहले घर की वरिष्ठ सदस्यों के अनुभवों और सुझावों का अनुसरण करें। इससे आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। विशेषकर महिलाएं अपने कार्यों को बखूबी निभाने में सक्षम रहेंगी। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई से संबंधित उचित मार्गदर्शन भी मिलेगा। दो अलग बातों में संतुलन बनाते समय थकान हो सकती है। किसी भी बात को जरूरत से अधिक महत्व देने से आपका वक्त और ऊर्जा बर्बाद होगी। अपना पक्ष किसी को समझाने की कोशिश सोच समझकर करें। खुद के लिए नकारात्मक विचार ना रखें। विद्यार्थियों को अपेक्षा से कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। पार्टनर के साथ चल रहे विवाद बढ़ने की संभावना है। बातचीत करते समय सोच विचार के अपना पक्ष रखें। सावधानियां। फोन और ऑनलाइन गतिविधियों पर ज्यादा समय व्यतीत करने से आपकी महत्वपूर्ण काम रुक भी सकती है। अपनी दिनचर्या में व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय का प्रतिबंधन करना जरूरी है। सामाजिक मुद्दों पर किसी के साथ भी बहस ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में भी हंसी खुशी समय व्यतीत होगा। आज आप अपने जरूरी कामों या फोन कॉल आदि में व्यस्त रहेंगे। अपने दिल के हाथों खुद को असहाय महसूस करेंगे। ऐसे में अपने साथी को लेकर पॉजिटिव होना कोई अनोखी बात नहीं है। किसी करीबी की बीमारी का पता लगने से माहौल थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। आज आप ऑफिस के काम को लेकर थोड़े चिड़चिड़े हैं, लेकिन याद रखें क्योंकि सब कुछ आपके हक में होगा। आज का व्यस्त कार्यक्रम आपको अपने जीवन साथी से दूर ले जा सकता है, पर उन्हें मनाना भी आप अच्छे से जानते हैं। बात करते हैं करियर की। आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम आपको जल्दी ही मिलेगा जो आपकी शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। अपनी मानसिक शक्तियों को नजरअंदाज न करें। आप किसी भी मुश्किल को आसानी से हल कर सकते हैं। आज एक आधिकारिक बातचीत या व्यावसायिक बैठक आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है। नए अनुबंध और सौदे की भी संभावना है। अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटें। इससे आपको काम करने के नए तरीके प्राप्त होंगे। अगर आप प्रयास करके असफल होते हैं तो या प्रयास ना करके सफल होने से कई गुना बेहतर है। बात करती हैं सेहत की। गिरने अथवा चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है। जोखिमपूर्ण कार्यों में रुचि ना लें। कान में दर्द की समस्या से जूझना पड़ सकता है। खून की कमी के कारण सेहत बिगड़ सकती है। आज का उपाय। आज जब सूर्य भगवान जी की पूजा आराधना करें शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ती रहें। आपका दिन शुभ हो।